हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन इंग्लिश राइटर अमिताव घोष को। ही इज स्टिल अलाइव। इनकी जो बर्थ ईयर है वो है 1956। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 11 जुलाई 1956, कैलकाटा बंगाल में इनका बर्थ हुआ। इंडियन राइटर हैं ये, लिटरेरी क्रिटिक हैं ये, एसेइस्ट हैं, फाउंडर हैं, एडिटर हैं और एक प्रोफेसर भी हैं। अमिताव घोष की अगर बात हो रही है बीइंग स्टूडेंट, हमें उनके बारे में ये तो पता ही होना चाहिए कि ही वॉज द 54th जर्नीपथ अवार्ड जो है इनको मिला है एंड 2018 में मिला, और ये जो है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। घोष एम्बिशियस नॉवल यूज कॉम्प्लेक्स नैरेटिव स्ट्रेटजीज टू प्रोब द नेचर ऑफ नेशनल एंड पर्सनल आइडेंटिटी पर्टिकुलरली ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया। ही हैज़ रिटन हिस्टोरिकल फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन लिखा इन्होंने, नॉन फिक्शन लिखा। वर्क्स जो हैं इनके, जो वर्क्स हैं इनकी, ज़्यादातर जो थीम है वो है कॉलोनियलिज्म या फिर क्लाइमेट चेंज। इनके नोटेबल वर्क्स हैं द शेडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, आइबिस ट्रायलॉजी, द ग्रेट डीरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल। नोटेबल अवार्ड्स, जननी पीठ अवार्ड 2018 में मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, आनंद पुरस्कार, दन द्रविड प्राइज, पद्मश्री, ये सब इनको जो प्राइजेज हैं वो मिले हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड जो आनंद पुरस्कार है, ये दोनों जो प्राइज इनको मिले हैं वो मिले हैं शेडो लाइन्स के लिए। आनंद पुरस्कार जो है वो एक बंगाली लिटरेचर का अवार्ड है। इनकी वाइफ का नेम है देबोरा बेकर। ही वॉज अ बंगाली ऑथर एज वेल एज अ लिटरेरी क्रिटिक इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक बंगाली ऑथर भी हैं और एक लिटरेरी क्रिटिक भी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ही हैज़ एक्नॉलेज्ड द लास्ट इन्फ्लुएंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड द बंगाली लिटरेरी ट्रेडिशन इन हिज ओन राइटिंग। इनका जो फर्स्ट नॉवल है वो है द सर्कल ऑफ रीजन, 1986 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट इनका जो नॉवल है द शेडो लाइन्स, सेकेंड नॉवल है, 1988 में पब्लिश हुआ। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं, मच ऑफ द प्लॉट ऑफ शेडो लाइन्स जो है वो ज़्यादातर नेशनल आइडेंटिटी की बात करता है। इनकी एक ट्रायोलॉजी काफ़ी फेमस है जिसका नाम है आइबिस ट्रायोलॉजी। इसके बारे में पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। जिस इस ट्रायोलॉजी में जो वर्क आते हैं वो है सी ऑफ पॉपीज 2008, रिवर ऑफ स्मोक 2011, फ्लड ऑफ फायर 2015। इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक बना रखा है कि देखो ये तीनों जो चीज़ें हैं, सी, रिवर और फ्लड, पानी से रिलेटेड हैं, तो इनकी जो ट्रायोलॉजी में जो वर्क आते हैं वो पानी से रिलेटेड होंगे। हमें ये ट्रिक जो है, इस ट्रिक से हमें ये याद हो जाएगा, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। 2007 में इनको पद्मश्री मिला और 2009 में ये फेलो मेंबर भी रहे रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के। इन 2015 ही इज़ नेम्ड अ फोर्ड फाउंडेशन आर्ट ऑफ चेंज फेलो। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ आइबिस ट्रायोलॉजी सेट इन द 1830। फर्स्ट जो इनकी वॉल्यूम थी आइबिस ट्रायोलॉजी की 1830 में सेट हुई, जस्ट बिफोर द ओपियम वॉर, जिसमें कि कॉलोनियल हिस्ट्री, ईस्ट की कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। हिज आइबिस ट्रायोलॉजी जो कि है सिवियर इंडिक्टमेंट है टू द ब्रिटिश ओपियम ट्रेड। ही फाउंडेड अ मैगजीन History Times along with Ramchandra Guha. In 1993, he became a senior editor of a USA company, Little Brown and Company, a publishing company. 1993 में एक ये USA की एक कंपनी जो कि Little Brown and Company है, जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी है, उसके ये सीनियर एडिटर भी बने। 1999 में इन्होंने कंपैरेटिव लिटरेचर जो था वो न्यूयॉर्क में पढ़ाया। 2005 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर जो इन्होंने विजिट किया। 2019 में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो थी उन्होंने नेम्ड हिम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल थिंकर्स ऑफ द प्रीसीडिंग डिकेड। ग्लोबल थिंकर इनको कहा। 2011 में ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द ब्लू मेट्रोपोलिस फेस्टिवल इन मॉन्ट्रियल अवार्ड जो है इनको मिला। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू रिसीव इट। ये जो प्राइज़ था फर्स्ट थे जिनको ये, कि इंग्लिश लैंग्वेज राइटर ये फर्स्ट थे जिनको ये प्राइज़ जो था वो मिला था। अब हम इनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट इनका नॉवल है वो है द सर्कल ऑफ रीजन 1986, डेब्यू नॉवल भी इसको बोलेंगे, फर्स्ट नॉवल भी बोलेंगे। मेन कैरेक्टर्स जो इसमें थे वो हैं बलराम, नचिकेता, बोस। शेडो लाइन्स 1988 में पब्लिश हुआ, साहित्य अकादमी अवार्ड इसको मिला 1989 में। इसके टू पार्ट्स हैं, गोइंग अवे एंड कमिंग होम। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो है त्रिदीप। 1963-64 की बैकग्राउंड है, ढाका और कलकत्ता कम्युनल राइट्स की बात की गई है। कैरेक्टर्स हैं इसमें ईला, मे, थम्मा, माया देवी। द कलकत्ता क्रोमोसोम 1995 में ये पब्लिश हुआ। सेटिंग है इसकी कलकत्ता और न्यूयॉर्क। रोनाल्ड रोस एक साइंटिस्ट की ये स्टोरी है। आर्थर सी क्लार्क जो अवार्ड है 1997 में इस वर्क को मिला है। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो है मुरुगन अंतर। द ग्लास पैलेस 2000,
कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज इसको, ग्रैंड प्रिक्स फॉर फिक्शन प्राइज इसको मिला, हिस्टोरिकल नॉवल है, बर्मा बंगाल इंडिया की सेटिंग है, मलाया की सेटिंग है, स्पैन्स अ सेंचुरी फ्रॉम द फॉल ऑफ कॉनबर्ग, डायनेस्टी इन मंडाले थ्रू वर्ल्ड वॉर टू टू मॉडर्न टाइम्स एंड इट टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक लॉस, हंग्री टाइड 2004 प्रोटैगोनिस्ट है इसमें फ़कीर कनाए दत्त, आइबिस ट्रायोलॉजी है जो उसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि थ्री वर्क्स आते हैं, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। सी ऑफ पॉपीज जो है इसमें ओपियम वॉर की बात की गई है, 2008 में ये पब्लिश हुआ, इंडिया और चाइना का बैकग्राउंड है। इस वर्क में जो कैरेक्टर्स हैं वो दीति एंड हुकम सिंह हैं। टैगोर लिटरेरी अवार्ड इस वर्क को मिला है 2011 में एंड ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। रिवर ऑफ स्मोक 2011, इसमें भी ओपियम की रेफरेंस दी गई है। फ्लड ऑफ फायर 2015, इस नोवल को कॉन्टिन्यूएशन नोवल भी बोला जाता है सी ऑफ पॉपीज का, इसमें भी दीति और हुकम सिंह हैं। क्रॉसवर्ड बुक जूरी अवार्ड 2015 में इस वर्क को मिला है। इन एन एंटीक लैंड 1992, हिस्ट्री ऑफ ग्रीक कल्चर, डांसिंग इन कैम्बोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा 1998, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एसेज, द इमाम एंड द इंडियन 2002 कलेक्शन ऑफ एसेज, द ग्रेट डीरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल 2016, गन आइलैंड 2019, काउंटडाउन 1999, इंसेंडियरी सर्कमस्टांसेस 2005, अफीम सागर 2010, द होम एंड द वर्ल्ड अ व्यू ऑफ कैलकटा 2014, कोलैबोरेशन वर्क है ये रोमिता रॉय जी के साथ, द इनविजिबल हैंड द चाइना ट्रेड एंड हाउ इट चेंज्ड 2017, घोष बुक ऑफ एसेज 2021, जंगल नामा 2021, अनकैनी एंड इम्प्रोबेबल इवेंट्स 2021, Untitled Amitav Ghosh 2021, Keep Guessing 2010, Atis Tufani 2019. So this was all about Amitav Ghosh. I hope you like it. If so, please like the video, share the video and do subscribe the channel.